हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं तीन ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि गेमिंग के लिए बनाए गए हैं। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जानकारी अच्छी लगे या वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा ऐसे हेल्पफुल आगे कॉन्टेंट देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इस लिस्ट में तीन ऐसे स्मार्टफोन को रखा है जिनमें आपको प्रोसेसर तो अच्छा देखने को मिलेगा ही और बाकी फीचर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरा सेटअप भी अच्छा देखने को मिलेगा और बैटरी भी, और साथ ही में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले तो गेमिंग फोन है तो अच्छा देखने को मिल ही जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने इसके नंबर वन फोन के बारे में। उससे पहले मैं एक बात बताना ही भूल गया, मैंने इस लिस्ट में 20,000 रुपए के अंदर तीन ऐसे स्मार्टफोन ढूंढे हैं जो गेमिंग के लिए काफी अच्छे स्मार्टफोन हैं। तो मैं आपको इन तीनों स्मार्टफोन का नाम बता दूंगा और आप अपने हिसाब से इनका रिव्यू देख लीजिएगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा आपके लिए कौन सा फोन अच्छा है। तो बिना किसी देरी के अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने इसके नंबर वन फोन के बारे में, तो वो आता है पोको की तरफ से, पोको X3 प्रो स्मार्टफोन। तो आइए बात करते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आपको इसमें डिजाइन इसका काफी अच्छा देखने को मिलेगा, और साथ ही में बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा, और साथ ही 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा जिसका मेन 48 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए कैमरा सेटअप काफी अच्छे हैं। और आइए बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो आपको इसमें 5160 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और गेमिंग फोन है तो आपको इसमें बैटरी दमदार चाहिए होगी। और आइए बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो आपको इसमें कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 816 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक 5G लेवल का प्रोसेसर है, तो आपको इसमें गेमिंग में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं इस कुछ और फीचर के बारे में, तो आपको ये एंड्रॉइड 11 पर रन करेगा, और 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, USB टाइप सी का सपोर्ट है। और बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के लिए 18,999 रुपये पे करने होंगे। ओवरऑल देखा जाए ये डील काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप पोको की तरफ से कोई स्मार्टफोन परचेज करना चाहते थे गेमिंग स्मार्टफोन, तो इस फोन को परचेज कर सकते हैं। एक बार YouTube में इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग जरूर देख लीजिएगा। और सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, और फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करता है। अब चलिए बात करते हैं अपने इसके दूसरे नंबर फोन के बारे में, तो वो आता है IQ की तरफ से, IQ Z3 5G स्मार्टफोन। तो बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आपका इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, गेमिंग के लिए है यानी गेमर को अट्रैक्ट करने के लिए इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया गया है, काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन है और काफ़ी हल्का भी है। अब चलिए बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो आपको उसमें कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 768 वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 2.3 GHz पर रन करता है, और साथ ही में आपको इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं आपको फ़ोन ज़्यादा ही हीट हो गया तो ये अपने आप ठंडा भी हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको इसमें 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, तो गेमिंग फोन है आपको इसमें रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब चलिए बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो आपको इसमें पीछे की तरफ 64 MP का मेन सेंसर देखने को मिलेगा, और आप इसमें 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, और फोटो के लिए तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है ये। और बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में, तो फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने मिलता है, मगर गेमिंग फ़ोन है तो आपको इसमें कैमरे से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेन आपको इसमें प्रोसेसर अच्छा देखने को मिलना चाहिए और रिफ्रेश रेट अच्छा देखने को मिल जाना चाहिए, तो आपको एक अच्छी गेमिंग कर पाएंगे उसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, इसीलिए कंपनी कैमरे में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब चलिए बात करते हैं कुछ और फीचर के बारे में, तो आपको इसमें बैटरी की बात करें, तो बैटरी में आपको 4400 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाएगी, और साथ ही 55W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा जो 40 से 50 मिनट में आपकी बैटरी फुल चार्ज कर देगी, तो आप चार्ज लगाइए, 40 मिनट तक रुकिए और गेमिंग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इतना भी मत चार्ज लगाए कि फ़ोन फूट जाए, तो ब्लास्ट होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इस फ़ोन में आपको कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा। और चलिए बात करते हैं आप कुछ और फीचर के बारे में, तो आपको ये 5G के साथ देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के लिए 17,990 रुपये पे करने होंगे, तो यानी कि आपको ये 18,000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। और ओवरऑल देखा जाए गेमिंग फ़ोन है, तो आपको इसमें डेडिकेटेड गेमिंग के लिए कोई फ़ोन लेना चाहते थे तो ये फ़ोन आप परचेज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इसके नंबर वन फ़ोन के बारे में, तो वो आता है MI की तरफ से, MI Note 11T 5G स्मार्टफोन। तो बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो आपको इसमें MediaTek का Dimensity 810 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 5G लेवल का प्रोसेसर है, जो कि 6nm पर आधारित है, तो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। MediaTek के जितने प्रोसेसर हैं जो कि
डायमंड से टिके हैं तो गेमिंग के लिए ही बनाए जाते हैं। और आगे चलते हैं बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीसी एलसीडी पैनल देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। तो कंपनी ने इसमें थोड़ी सी कंजूसी कर दी है, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। और बात करें इसके रिफ्रेश रेट के बारे में, तो आपको इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और बात करें इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो आपको इसमें मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो अगर आप फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और गेमिंग फ़ोन है तो आपको इसमें कैमरे से ज़्यादा मतलब रखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और आइए बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो आपको इसमें 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है। उसी को चार्ज करने के लिए आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इसकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, यानी कि इसका वजन भी ज़्यादा है, और आपको ये थोड़ा सा हैवी देखने को मिल जाएगा। और आइए बात करते हैं कुछ और फीचर के बारे में, तो ये 5G के साथ आता है और एंड्रॉयड 11 के साथ रन करता है। बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो आपको ये 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के लिए 19,041 रुपये पे करने होंगे, लेकिन 41 रुपये कोई मायने नहीं रखता, आपको ये 19,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो जाता है, लेकिन आप अभी अपने लिए कोई बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन परचेज़ कर सकते हैं। तीनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन हैं, तो अपने हिसाब से एक बार YouTube में इनका रिव्यू रिसर्च कर लीजिएगा, तभी जाकर कोई फ़ोन परचेज़ करिएगा, नहीं तो पता चला आपने कोई अपने लिए गलत सलत सा फ़ोन उठा लिया और बाद में फिर मुझे ब्लेम करेंगे। तो मेरा काम था आपको कि तीन स्मार्टफोन के नाम बता देना और आप अपने हिसाब से इन तीनों स्मार्टफोन को देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा आगे ऐसे हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए। और हमें कॉमेंट करके बताइए कि आप कौन सा स्मार्टफोन लेने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।